हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया सोनेट की हमारी बाकी सारी वीडियोस देखी रहेंगी। अब इस वीडियो में हम चला रहे हैं किया सोनेट GTX प्लस, यानी GT लाइन टर्बो DCT वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। इसमें सारे फीचर्स जो सोनेट के हैं सब इसमें ही मिलते हैं आपको। तो इस वीडियो में हम इसका ड्राइव एक्सपीरियंस स्पेशली बता रहे हैं कि टर्बो DCT कैसे परफॉर्म करता है, क्या क्या अच्छाई है उसकी, क्या क्या बुराई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं वापस बता देता हूँ एक बार, इस पे आता है एक 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 120 PS एंड 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। मैनुअल गेयरबॉक्स ऑफर पे नहीं है, बस आपको आता है एक 6 स्पीड IMT और एक 7 स्पीड DCT। हमने 6 स्पीड IMT भी टेस्ट किया है, हमने उसका भी वीडियो निकाला है। अभी ये 7 स्पीड DCT है जो हम चला रहे हैं। DCT गेयरबॉक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक गेयरबॉक्सेस बोल सकते हो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। DSG ऑलवेज बेंचमार्क है एंड उसके बाद आता है DCT। एंड सोनेट पे मैंने लगभग 50 से 60 किलोमीटर टेस्ट आउट कर लिया है DCT के साथ एंड मैं दावे कर सकता हूँ ये डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग, काफी एंथुजियास्टिक गेयरबॉक्स है। जो इंजन और गेयरबॉक्स का कॉम्बिनेशन है मेरे को बेहद पसंद आया है। इस पे आप बोल सकते हो कि IMT से ज्यादा मेरे को ये गेयरबॉक्स पसंद आया है, IMT ज्यादा प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी। जो टर्बो पेट्रोल DCT है ये मेन 3 मोड्स पे चलता है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इको पे आपको जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो लेथार्जिक हो जाता है। इवन आप 30-40% ऑफ द पेडल प्रेस करोगे तब जाके आपको फीडबैक आने लगता है ढंग का इको मोड पे। बेसिकली ये माइलेज बचाने का एक तरीका है एंड इससे अच्छा खासा माइलेज बचता भी है, मैंने ट्राई आउट किया है। सेकेंड आता है नॉर्मल मोड जिसपे थ्रॉटल रिस्पॉन्सेज थोड़े बेटर हो जाते हैं, फिर भी 10-20% का लैग रहता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप हायर गियर्स पे और कंपेरेटिवली कम स्पीड पे आपको अचानक से स्प्रिंट मारना है, ओवरटेक करना है, तब अगर आप फुल फ्लैट आउट करेंगे पेडल तब लिटरली इसको 2-3 सेकंड का लैग फिर भी आता है नॉर्मल मोड पे। एंड जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है वो है इसका स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे जो फीडबैक है वो एकदम शार्प है, हल्का सा पेडल प्रेस करने पे भी आपको फीडबैक आना चालू होता है एंड राइट फ्रॉम 2000 RPM जो इसका एक्सेलरेशन है वो तुरंत जूस पकड़ता है, तुरंत भागने लगती है गाड़ी। इवन इफ आप रिलैक्स्ड मोड पे चला रहे हो स्पोर्ट मोड पे तब भी आपके जो गियर शिफ्ट है वो 4000 RPM के बाद ही होंगे। हाउएवर अगर आप बाकी दोनों मोड्स पे नॉर्मली चला रहे तो 2-2500 RPM तक ये जो DCT गियरबॉक्स है ऑटोमेटिकली आपकी गियर ऊपर कर देगा। ओवरऑल कॉम्बिनेशन दोनों का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एंथुजियास्टिक है। जो इंजन का जो टर्बो लैग है वो डेफिनेटली 2000 RPM तक तो है ही, लेकिन मोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। इको मोड पे ज्यादा है, स्पोर्ट मोड पे कंपैरेटिवली कम है। एक बात आप नोटिस करोगे, जैसे ही आप पेडल पे प्रेशर डालना चालू करते हो वैसे ही इसके इंजन का नॉइज है ज्यादा बिल्डअप होने लगता है। रिफाइनमेंट के मामले में थोड़ा सा कम है बिकॉज 3 सिलेंडर इंजन है, डेफिनेटली रिफाइनमेंट की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तब आपको इंजन नॉइज जो है ज्यादा आने लगता है। नहीं तो अगर आप AC चला के बैठे हो, अगर आप गाने चला के बैठे हो, नॉर्मल 50-60 की स्पीड पे हो तब आपको इतना इंजन का नॉइज नहीं आएगा, चाहे आप हाई RPM पे हो तो भी। जिससे गियर शिफ्टिंग का जो जर्किनेस है, जो लैग है वो काफ़ी सॉर्टेड आउट है, काफ़ी स्मूथ है, वो ही वापस मोड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ये गियरबॉक्स काफ़ी स्लिक है, काफ़ी स्मूथ है। प्लस इसमें आपको मैनुअल मोड भी मिलता है। अगर आपको कभी कभी लगता है कि गाड़ी आपके मुताबिक गियर नहीं चेंज कर रही है, अप या डाउन नहीं हो रहा है, तब आप इसको D से लेके प्लस या माइनस में शिफ्ट कर सकते हो एंड अपने आप गियर बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको गियर बढ़ाना है तो आपको मिनिमम 2500 RPM क्रॉस करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका गियर आगे बढ़ेगा। इसका जो स्टेयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है स्टेयरिंग व्हील एंड डेफिनेटली जब आप लो स्पीड्स पर जा रहे हो या फिर पार्किंग से निकाल रहे हो तब आपको इसका लाइट वेट स्टेयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी एक ये बात भी अच्छी है कि जैसे ही आप स्पीड पकड़ोगे अबाउट 50 km/h की स्पीड जैसे ही क्रॉस करोगे तो इस पर धीरे धीरे एडिशनल वेट पुट ऑन होना चालू होता है। डेफिनेटली अगर आप हाईवेज पे क्रूजिंग कर रहे हो, हाई स्पीड पे क्रूजिंग कर रहे हो तो वो एडिशनल फीडबैक जो है वो आपको थोड़ा एक एश्योरिंग फीडबैक देता है। आपको ये फील कराता है कि गाड़ी स्टेबल रहेगी कोई भी स्पीड पर जा रही हो तब। फिर बात करते हैं इसे कंफर्ट की। मैं अभी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ हूँ, ड्राइवर सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, इसका जो सीट्स है काफ़ी अकोमोडेटिंग है एंड प्लस मेरे पास एक कमांडिंग व्यू है सामने मेरा ड्राइविंग करते हुए।
तो वो इवन इफ आप रेगुलर हाइट पे रखोगे, नॉर्मल पोजीशन पे रखोगे, तब भी आपको मोस्ट पार्ट ऑफ द बोनेट दिख जाएगा। बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप की, वो थोड़ा स्टिफर साइड पे है, तो मोस्ट ऑफ द पॉट होल्स एंड खड्डे जो है ये डिसेंट स्पीड पे, डिसेंट सिटी के स्पीड पे अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप 80 या 90 की स्पीड क्रॉस करते हो, हाई स्पीड पे चले आते हो, तब इसके जो खड्डे की जो कैपेबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की वो काफ़ी कम हो जाती है। तब आपको मेन डिस्कम्फर्ट लगता है, इवन इफ आप आगे बैठे हो या फिर पीछे बैठे हो तो भी। लेकिन ओवरऑल सिटी के अंदर, सिटी के राउंड अबाउट्स में आपको इसका सस्पेंशन ओवरऑल ठीक ही लगेगा, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं देगा। एंड मेनली जो नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स एंड बम्प्स है वो तो आसानी से सह ही लेगा। काफ़ी सारे जनों ने हमें कमेंट सेक्शन में पूछा है, हमें क्वेश्चंस पूछे कि इसके रोल ओवर कंट्रोल के बारे में क्या है फीडबैक है उसका, सिंस इसकी हाइट ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, इसका एक अपराइट स्टांस है, तो डेफिनेटली रोल ओवर की तो बात बनेगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका जो रोल ओवर है काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है, इवन इफ आप पीछे बैठे हो आगे बैठे हो तो भी आपको इन कंट्रोल लगेगा। हाउएवर हाई स्पीड के टाइम पे अगर आप शार्प कर्व्स ले रहे हो, शार्प टर्न्स ले रहे हो, तो पीछे वालों को रोल ओवर थोड़ा सा कम लगेगा, मतलब उनको इफेक्ट ज़्यादा लगेगा कि गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके जो बाइट है ब्रेक्स का क्वाइट डिसेंट, क्वाइट अश्योरिंग है, एंड इवन इफ हल्का सा भी प्रेशर डालोगे पेडल पे आपको तुरंत एक फीडबैक आना चालू होता है। अगर आपको हाई स्पीड से जीरो पे आना है अगर तुरंत, तो आपको हाफ से ज़्यादा पेडल आराम से प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके गाड़ी के एश्योरिंग हॉल्ट पे आएगी। मैं स्पेसिफिकली ये जो टर्बो डीसीटी वेरिएंट है उसके माइलेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऑन एन एवरेज इसने हमें 11 की माइलेज दी है, जो थोड़ी सी कम लगी है मेरे को, लेकिन मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने इसका बेस्ट एंड वर्स्ट माइलेज फिगर्स की बात की है, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ये टर्बो डीसीटी वेरिएंट पे कितना एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो वाला वीडियो देखना ना भूलें।